गंदे वीडियोस यानी अश्लील वीडियो को देखना और उन्हें बनाना अब भारत में आम बात हो गई है। और तो और गांव से ज्यादा शहरों में सबसे ज्यादा गंदे वीडियोस देखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो एक नाम तो इस वक्त आप खूब सुन रहे होंगे, वो है प्रज्वल रेवन्ना का, जो अश्लील वीडियो की वजह से चर्चा में है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल ने 3000 अश्लील वीडियो बना डाली और गंदा खेल खेल डाला। लेकिन ये गंदा खेल क्या भारत में बड़ी तेजी से खेला जा रहा है? और अगर ऐसा है तो आखिर इसकी वजह क्या है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत में इंटरनेट पोर्नोग्राफी बेहद पॉपुलर हो गई है, जो इस वक्त 30% से बढ़कर 70% तक जा पहुंची है। बढ़ती सेक्स एजुकेशन के बावजूद पोर्नोग्राफी साइट के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ गया है। इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी युवा जैसे हरियाणा में पोर्नोग्राफी देखने का चलन काफी ज्यादा है। इसमें से ज्यादातर लोग 74% अपने मोबाइल फोन में ही अश्लील वीडियो या फोटो देखते हैं। वहीं इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 50% भारतीय अपने मोबाइल फोन पर पॉपुलर पोर्नोग्राफी वेबसाइट देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, जिसका जवाब अब आप सुनिए। साइबर फॉरेंसिक लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर मोनाली गुहा के मुताबिक किसी के आपत्तिजनक वीडियो या फोटो लेना एक तरह का पैराफीलिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैराफीलिया क्या है? दरअसल पैराफीलिया एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति यौन कल्पनाओं की दुनिया में डूबा रहता है। वैसे तो पैराफीलिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है कि प्यार से इतर असामान्य यौन इच्छा। ये एक तरह की कुंठा है जो सामाजिक तौर पर खतरनाक मानी जाती है, जो पोर्नोग्राफी की तरफ तेजी से लोगों को ले जाती है। दरअसल अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक पैराफीलिया लगभग 550 तरह के होते हैं। ऐसा व्यक्ति पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल कंटेंट को लगातार देखता रहता है और कुछ असामान्य हालात में वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। कुछ लोग रेप जैसे अपराध भी इस वजह से कर बैठते हैं। ऐसे मनोविकार को बायसोफीलिया भी कहते हैं। दरअसल हमारे शरीर में दिमाग ही हमसे सब कुछ करवाता है। ये सब कुछ हार्मोन के बदलाव की वजह से ही होता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जो लोग पैराफीलिया से ग्रस्त होते हैं उनके शरीर में सेरोटोनिन और नॉरपिनेफ्रिन हार्मोन काफी बढ़ जाता है। वैसे तो यौन कल्पनाओं में डूबा व्यक्ति तभी तक ठीक है जब तक वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पैराफीलिया को 5 लक्षणों से पहचाना जा सकता है। दरअसल पैराफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान 5 लक्षण से की जा सकती है। ऐसे लोगों में बार बार यौन भावनाएं उमड़ती हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में यौन फैंटेसी बुनते रहते हैं, बार बार खुद को या दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, बच्चों या लड़कियों को शिकार बनाते हैं, बिना पार्टनर की सहमति के संबंध बनाते हैं और आक्रामक बर्ताव करते हैं। वैसे आम तौर पर पहले यही माना जाता था कि पैराफीलिया के मनोरोगी सिर्फ पुरुष ही होते हैं, मगर कई स्टडीज के मुताबिक पैराफीलिया पुरुषों में 85% तो महिलाओं में 15% पाया जाता है। वहीं लगातार मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट पर जमे रहने की वजह से किशोरों में पैराफीलिया की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में माता पिता को अपने किशोर उम्र के बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा लगातार ऐसे वीडियो या कंटेंट देखता है तो उसके इस तरह के डिसऑर्डर से पीड़ित होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे अश्लील कंटेंट देखने वाले लोग पहले तो मजे के लिए इसे देखते हैं, फिर कब उन्हें इसकी लत लग जाती है इसका पता ही नहीं लगता। कहा जाता है कि पैराफीलिया का किसी दवा से 100% इलाज संभव नहीं है। अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक पैराफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाता है। इनमें विनम्रता के साथ अहंकार भी होता है। ऐसी दोहरी पर्सनैलिटी की वजह से इनके इलाज में काफी मुश्किल आती है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर की कमी को नहीं मानता और दूसरों से अपनी खामी को भी नहीं बताता। पैराफीलिया ऐसा विकार है जो काबू में नहीं लाया गया तो किसी व्यक्ति को सीरियल किलर भी बना सकता है। ब्रिटेन की खूंखार महिला जोआना डेनेही ने 2013 में पैराफीलिया की वजह से 3 लोगों का कत्ल कर दिया था। उसके कत्ल की वजह इतनी थी कि उसे लोगों को मारने में मजा आता था। उसने तीनों को मारने से पहले उनका यौन उत्पीड़न भी किया था। और अगर लोग इसी तरह पैराफीलिया के शिकार होते रहे तो हालात को संभालना काफी मुश्किल हो सकता है।
अगर बात भारत की जाए तो भारत में सेक्सटॉर्शन यानी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का चलन गलत तरीके से जल्दी पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट की धारा 67 में कहा गया है कि आपत्तिजनक फोटो या वीडियो जैसे अश्लील कंटेंट को फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और इंटरनेट पर फैलाना अपराध है। ऐसे मामलों में पहली बार दोषी ठहराए जाने पर 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन भारत में फिर भी इस तरह के मामले कम नहीं हो रहे क्योंकि तकनीकी आधारित अपराध के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं, ये नए नए रूपों में आ रहे हैं। ऐसे में इसके लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए। भारत में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू किया गया है। पॉर्न से जुड़े मामलों में IT संशोधन कानून 2008 की धारा 67A और IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है। भारत में कई अदालतें कह चुकी हैं कि अकेले में अडल्ट पोर्नोग्राफी देखना कानूनन अपराध नहीं है, मगर अश्लील वीडियो या फोटो बनाना अपराध है। वीडियो बनाकर किसी को ब्लैकमेल करना सेक्सटॉर्शन कहलाता है, ये बहुत बड़ा अपराध भी है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे मामले भारत में कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल जैसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो ऐसे गंदे वीडियोस देखते या खोजते रहते हैं, और अगर ये लत बन चुका है तो ये मनोविकार खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका है। समय रहते अगर नहीं चेता गया तो ये समाज के लिए सिरदर्द बन सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शीर्ष भारत।